औरों से तो बेटर है। इसका कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं लेता? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पेमेंट नहीं है। तो मेरा तो पहला ही अनुभव था, अच्छा लगा। इससे एनालाइज होता है कि किस चीज टॉपिक में किस चीज में मेरा लैग कर रहा है और किस पे। क्वेश्चन पेपर यूपीएससी वाला ही है। आपने प्रीलिम्स वगैरह पहले भी दिया था? हाँ, पहले दे चुका हूँ। क्वेश्चन का लेवल नेक्स्ट आई कैसा बनाता है, लगभग ये इसका तीसरा अनुभव। क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा था, सही बनाया है, मॉडरेट है, बढ़िया बना रहे हैं। स्टैंडर्ड जो है वो भी अच्छा है। रजिस्ट्रेशन आपने कब किया था नेक्स्ट आईएएस के टेस्ट के लिए? रजिस्ट्रेशन मैंने मतलब एक महीना पहले किया था। फर्स्ट अनुभव टेस्ट से फॉलो कर रहा हूँ, अभी तीसरा है शानदार और चौथे का एक्साइटेड भी हूँ। अनुभव का भी अच्छा रहा, जैसे प्रीलिम्स का ये अनुभव सीरीज के इनका तीसरा पेपर है, तो लगभग जो यूपीएससी पैटर्न है वही फॉलो कर रहे हैं। 82 किए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आज नेक्स्ट आईएएस ने देश भर में कई सेंटरों पर अनुभव का तीसरा टेस्ट कराया था, जिसमें बहुत सारी फ्रेंड शामिल हुए। ये दोस्त दे करके जा रहे हैं, कुछ अभी हमारे पीछे हैं। ये मुखर्जी नगर वाला सेंटर है नेक्स्ट आईएएस का, जानने की कोशिश करूँगा। दोस्त इधर आइए, क्या नाम है आपका? दिनेश। कैसा रहा अनुभव टेस्ट का? अनुभव अच्छा था। क्वेश्चन किस तरीके के बनाए थे नेक्स्ट आईएएस में? क्वेश्चन बेसिकली एग्ज़ाम के तौर पर बनाए थे, काफ़ी हार्ड भी थे, जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही दिए थे उन्होंने। फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था इस टेस्ट के लिए? मैंने करीब 15 दिन पहले करा था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 85 देखिए अभी आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? सौरभ जी। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? आई थिंक 94। क्वेश्चन का लेवल नेक्स्ट आईएएस ने किस तरीके से बनाया था, क्या आप लोगों की लाइक वन आ पाया? ऑलमोस्ट, मतलब मेजरली जो क्वेश्चन था वो पीवाई की उससे था, प्लस करंट अफेयर्स था। ये जो अभी आप टेस्ट दे करके आए हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा अनुभव टेस्ट? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 91 के अराउंड अटेम्प्ट किए हैं। देखना ये कि उसमें सही कितने होते हैं, पर अटेम्प्ट मैंने 90 प्लस में ही किया है लगता है। बाकी ये क्वेश्चन सेटिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी का अच्छा है, और क्वालिटी और मतलब कि साइज वगैरह, फॉन्ट साइज, क्वालिटी, कंटेंट सब अच्छा है। कैसे बनाया था नेक्स्ट आईएएस ने अनुभव टेस्ट? औरों से तो बेटर है, इतना तो अच्छा है कि जो नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट लेवल है वो बहुत अच्छा है। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसके पहले जो दो टेस्ट हो चुके हैं वो भी दिया हूँ, और मैं दूसरी जगह भी दे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि जो यूपीएससी का लेवल है उसी के एंगल का क्वेश्चन ही बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं। आकाश कुमार। आकाश जी, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने लगभग 60 किए हैं। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि नेक्स्ट आईएएस ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर या टेस्ट बनाया था, ये अनुभव का तीसरा कैसा लगा आपको? हाँ सही बनाए हैं, मॉडरेट है, बढ़िया बना रहे हैं। दोस्तों में मिलेंगे, आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आज यहाँ पे ये अनुभव का टेस्ट देने आते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मस्त गया है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 99। चल नेक्स्ट आईएएस का ये तीसरा अनुभव टेस्ट कैसा? अच्छा, इन्होंने कैसा बनाया था? फर्स्ट अनुभव टेस्ट से फॉलो कर रहा हूँ, अभी तीसरा है शानदार और चौथे का एक्साइटेड भी हूँ। और सर ने एक स्कीम भी दी है नई कि जो टॉप 20 में आएंगे उनको करंट अफेयर की क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। एक और नई जानकारी हमें मिल गई। ये बताइए कैसा बनाया था नेक्स्ट आईएएस ने क्वेश्चन पेपर? पेपर ठीक था, बस थोड़ा सा फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों ही मोड में था। ये क्या नाम है दोस्त? इस टेस्ट में बैठने के पैसे तो नहीं लिए? नहीं। ओके अनुभव जी, इधर आइए थोड़ा सा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? क्वेश्चन लगभग 40 अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन का लेवल नेक्स्ट आईएएस कैसा बनाता है, लगभग ये इसका तीसरा अनुभव टेस्ट? क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा था। क्या नाम है दोस्त आपका? भाई मानसु भास्कर। मानसु जी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 60 प्लस कौन रहे। अच्छा, ऐसे टेस्टों से क्या फ़ायदा हो पाता है आप लोग जब देते हैं? ऐसे टेस्टों से डिवीजन वगैरह होता है, आप जैसे पढ़ सकते हैं बाद में। आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं दिया है अभी? आपका नाम क्या है दोस्त? नीरज। नीरज जी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 65। आपने भी टेस्ट दिया है क्या दोस्त? जी सर। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए राधेश्याम की? 89। मैंने 80 के समथिंग किया हूँ। 80 कर डाले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपने कब किया था नेक्स्ट आईएएस के टेस्ट के लिए? रजिस्ट्रेशन मैंने मतलब एक महीना पहले किया था। ऐसे जब आप लोग टेस्ट देते हैं तो क्या प्रॉफिट होता है आप लोग? मतलब कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट देने का एग्जाम मेन सेंटर में। एक टेस्ट देने से एनालाइज होता है कि किस चीज टॉपिक में किस चीज़ में मेरा लैग कर रहा है और किस पे इम्प्रूवमेंट करना है ये पता चलता है। और जैसे अगर मेरे पास नोट्स नहीं है किसी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल हम किस नोट्स प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें जो नोट्स नहीं है क्योंकि ये सब डीपली बनाते हैं। तो जितना भी मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पे नेक्स्ट आईएएस का ये जो अनुभव प्रीलिम्स है ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्वेंटली टेस्ट करवा रहे हैं और मास लेवल पे बच्चे आते हैं। इनका सेंटर वहाँ पे एक वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सेंटर है और पूरे ऑल ओवर दिल्ली में सेंटर। इसका कोई पेमेंट वगैरह तो नहीं लेता? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पेमेंट नहीं है। नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। क्या नाम है दोस्त आपका? विनायक।
नेक्स्ट आई एस के अनुभव टेस्ट का क्या अनुभव रहा आपका? मतलब मेरा तो पहला ही अनुभव था, अच्छा लगा। पहले आपने कोई एग्जाम वगैरह नहीं लिया था, प्रीलिम्स वगैरह? नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो अभी मॉक के लिए आया था। ओके, एक दोस्त और पीछे जा रहे हैं, मैं इनको रोक ही लेता हूँ। आपने भी दिया है क्या दोस्त? हाँ जी। यहाँ पे आइए, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, ये बताइए नेक्स्ट आई एस ने जो भी अनुभव टेस्ट आज कराया है, पहले भी करा चुके हैं ये, तो कैसा आपका अनुभव रहा है? काफ़ी अच्छा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 60+। बिल्कुल, वही क्वेश्चन है, वही सब्जेक्ट टॉपिक, वही सेम लग रहा। काफ़ी ऐसा लग रहा, मतलब जैसे यूपीएससी वाले में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन मेरे को फील हुए कि हाँ वही है, जो मतलब हार्ड जो है और हार्ड क्वेश्चन भी और इजी भी क्वेश्चन मिक्स कर रखे थे उन्होंने, और मतलब फीलिंग वही वाली थी मेरे को कि यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर यूपीएससी वाला ही है। आपने प्रीलिम्स वगैरह पहले भी दिया था? हाँ, पहले दे चुका हूँ मैं। कुछ वैसा लगा? उसी को देख कर तो मैंने पता, मेरे को अंदाजा हो गया, मतलब ये इन्होंने जो क्वेश्चन तैयार करे ना वो काफ़ी अच्छे कर रखे हैं। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 91 की। ये आपके दोस्त हैं? ये दोस्ती हैं भाई। अरे पिछली बार भी तो आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, हुई थी भैया। आज कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट? 92 किए हैं भाई। ये यहाँ वाला अनुभव का कैसे अनुभव रहा? अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, जैसे प्रीलिम्स का ये अनुभव सीरीज के इनका तीसरा पेपर है, तो लगभग जो यूपीएससी पैटर्न है वही फॉलो कर रहे हैं। टेस्ट से अगला टेस्ट 14 अप्रैल का, तो देखेंगे लगभग वही पैटर्न फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? प्रांजल सोनी। नेक्स्ट आई एस ने आज अनुभव टेस्ट का तीसरा टेस्ट कराया था, इसका कैसा आपका अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, पेपर अच्छा था, मतलब सारे सब्जेक्ट अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ठीक लगा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 82 किए। इसके लिए क्या नेक्स्ट आई एस ने आपसे कोई फीस वगैरह चार्ज की? नहीं, कोई भी फीस नहीं ली थी, ये ओपन था सबके लिए। आपने कब रजिस्ट्रेशन इसके लिए किया था? मैंने रजिस्ट्रेशन 10 डेज पहले किया था, और इससे पहले भी दिया था मैंने, मतलब हर बार का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, आप लगभग 2 पहले भी दे चुके हैं? हाँ, अभी पिछले मंथ हुआ था वो भी दे चुकी हूँ, और पहले वाला नहीं दिया था। अच्छा, अनुभव जैसे जब आप टेस्ट देते हैं तो इनसे क्या प्रॉफिट आप लोगों का हो पाता है, क्या प्रैक्टिस हो पाती है सही से? हाँ जी, हो पाती है, समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, हमें कैसे पढ़ना है, क्या कमी रह गई है। आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया था क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम दूंगी इस बार। आपका वैकल्पिक विषय क्या है, ऑप्शनल? हिंदी लिटरेचर।